नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट 12 चैनल में। सो फ्रेंड, लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2019 के लिए ये मॉडल पेपर है। कई स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे मॉडल पेपर के लिए। सो फ्रेंड, ये वीडियो लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम और आरआरसी ग्रुप डी के लिए 3 से 4 के बीच में वीडियो अपलोड होगी, वो देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, इसमें शामिल किया हमने जीके जीएस यूम करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन। सो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक का देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन फ्रेंड, और भी सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रिवर्स रेपो दरों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 35 वर्ष। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अधिकार परीक्षा कहते हैं। ओके, ये जारी किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी बिंदुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सैयद वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पौना ग्रह माना जाता है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी प्लूटो को पौना ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी औषधि चट्टान है। ठीक है, बलुआ पत्थर औषधि चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं एक है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, औषधि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी इन्हें सरीसृप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सो फ्रेंड, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी तनाव मापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? सो फ्रेंड, इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थाई रूप से डाटा संचित करता है? सो फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणायन नहीं है? फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सल्फेट आयन, ये ऋणायन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी क्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी योजना आयोग के दर पर। अगला प्रश्न है, पहली बार काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टी एच मैमन ने किया था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहले का सी गौरी शंकर देवीलाल कथक, टू का ए होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पाल बेट्टी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कृषि। अगला प्रश्न है, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पद्धति की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवने गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्यसागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी इसको सिरको कहते हैं या सिराको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक टिकट पर अंकित होने वाले प्रथम क्रिकेटर का क्या नाम है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, के एस रणजीत सिंह। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मिस फ्रॉन फिप्स। अगला प्रश्न है, रथ मंदिर स्थित है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी महाबलीपुरम में। ठीक है, रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा के लेखक हैं। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, यूनानियों के प्रभाव से भारत में मूर्तिकला की कौन सी शैली का विकास हुआ। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गंधार शैली का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठन्नी का चित्रण किस शैली में हुआ। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली में। सो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।